नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पालमी श्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ पे मनी का ट्रायंगल है। अगर मनी का ट्रायंगल है तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा अवश्य आता है और पैसे का भंडार लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हाथ की ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के उद्गम, हमारे जीने की कला को सिखाती है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे दिमाग की गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे मन के विश्वास, एक दूसरे के संबंध के बारे में बताती है। तो आज हमने ट्रायंगल की बात की है, पैसे की बात की है, धन की बात की है। अगर देखें कहीं लोग बहुत ज्यादा जीवन में संघर्ष करते हैं, बहुत पैसे बचाने का काम करते हैं, तो जीवन में देखें कमाते तो हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं टिक पाता है। लेकिन अगर हाथ में ऐसी एक ट्रायंगल का चिन्ह ऐसे आपके बना है तो जीवन में पैसा बस आएगा और पैसे की सेविंग भी होगी। अब ये देखने वाली बात है कि ये ट्रायंगल कितना बड़ा है। अब ये निर्भर करता है कि ट्रायंगल के ऊपर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा उतने अधिक मात्रा में आपका धन संचित रहेगा। सबसे पहले ये जीवन रेखा और ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के साथ ये एक, इसको हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इसको हम बिजनेस लाइन भी कहते हैं, और इसी के साथ ही फेट लाइन। अब ये फेट लाइन हमारी सकुशल है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो जीवन में वैसे भी धन की खींचने का एक एंटीना बन जाता है। कहते हैं ना कि जीवन में अधिक धन कमाने के लिए भाग रेखा देखना अनिवार्य हो जाता है। अब ये ट्रायंगल है जिसको कहते हैं ना मनी का ट्रायंगल, ये किसी तरह से आपका अगर चारों तरफ तीनों तरफ से बंद है तो समझ ले पैसे का भंडार या पैसे की सेविंग आपके लाइफ में अवश्य होगी। और ये निर्भर करता है, बड़ा है तो अधिक मात्रा में सेविंग होगी, अगर ये छोटा है तो उससे कम मात्रा में सेविंग होगी। लेकिन अगर कहीं से ये ट्रायंगल खुल जाता है या बीच में कट जाता है, ऐसे लोग तो जीवन में बहुत पैसे कमाएंगे लेकिन उनके पास पैसे की अगर कह लो सेविंग तो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी न किसी तरीके से उनका पैसे का आना तो बना रहेगा लेकिन उनकी खर्च की अधिकता बनी रहेगी, और पैसे की सेविंग अगर कहें तो ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रायंगल पूरी तरह से बंद है हाथ में, ऐसा चिन्ह आपके बनता है, तो ऐसे लोग जीवन में अधिक धन कमाते हैं और अधिक मात्रा में पैसा भी बचाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।